दिखाएंगे आज आपको कि बंगाली रसगुल्ले किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, ये है भैया ने बनाया है मावा। ये होता है भैया दूध को फाड़ के बनाया जाता है पनीर। तो उसके बाद जो है ये भैया करेंगे इसमें, अब क्या ये दिखाएंगे हम आपको पूरा इसमें प्रोसीजर, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखे, बहुत मजा आने वाला है गाइज। तो भैया अब क्या करा जाएगा इसका, यहाँ पानी निकाला जाएगा इसका। अब ये देखिए गाइज, इसका पानी निकाला जा रहा है, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी हो रहा है ना, ये है घान इसका, बखर बनाया जाता है, चीनी का लिक्विड होता है। बिरयानी लगाया है ये, एक छन्ना लगा लिया, और अब ये जो है सारा इसमें ही डाल दिया जाएगा। तो इसमें जो बचा हुआ इसका पानी है वो भी निकल जाएगा। ये सारा का सारा छन्ना भैया ने इसमें ले लिया है, ये देखिएगा, ये नीचे इन्होंने भैया ने लग रखा है टोकरा, इसमें निकाल देंगे। ये देखिए गाइस कितना भी पानी इसके अंदर निकल रहा है। अब ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, इसका सारा जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था सब निकाल लिया गया है। गाइस देखिए कितनी मेहनत लग रही है इसमें, ये भैया ने सारा का सारा जो छेना था इसमें निकाल लिया है एक परात में, और भी बहुत देर लगेगी। अच्छा काफी देर लगेगी। हाँ। तो इसमें क्या डाला गया है, जो भी डाला है इसमें चिकनाई लगाई थी। अच्छा देसी घी मिलाया गया इसमें। हाँ। तो इससे जो है सॉफ्टनेस आती है क्या चीज, सफाई आएगी। अच्छा सफाई आएगी, नरम भी होगा। अच्छा, तो चाचा इसमें क्या मिला रहे अभी है? अच्छा बेकिंग पाउडर। और ये कहाँ के लिए होता है, ये फ्लावर्ड के लिए। और ये मैदा है, ये अरारोट है, तो ये इसका मिक्सचर करके इसमें मिलाया जाएगा। गाइस इसमें भाप उठ रही है, और भैया कितनी मेहनत से इसे हाथों से मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए गाइस कितनी मेहनत लगती है भैया बनाने में, बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है ये भी, और गर्म भी बहुत है। हमारे रसगुल्ले ये बनने शुरू हो गए हैं गाइस, अब ये देखिएगा कितनी जबरदस्त स्पीड से रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं। ये देखिएगा है जो आपने, तो इसे मैल को उतारने के लिए इसमें कुछ और डाला जाता है क्या, किस तरीके से उतारा जाता है ये दूध? अच्छा दूध डाल के इस पर सारी मैली ऊपर आ जाती है। रसगुल्ले अनकम्प्लीट हैं अभी गाइस, अभी ये पकाए जाएंगे। तो वो जो है ये देखिए कितनी जबरदस्त स्पीड है, ये देखिए हमारा दूसरा घान भी रेडी हो गया है पूरा का पूरा। चाचा ने घान में देखो रसगुल्ले एक ही दफा में पूरा का पूरा घान में डाल दे गए हैं। तो गाइस यही इनके साथ होना है, पहले इसमें पकाया जाएगा, फिर ये इसमें आएगा, फिर ये इसमें आएगा। ये गाइस ये देखिएगा रसगुल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं, और इसको अब निकाल कर इस घान में से, ये देखिएगा ये चाचा ये किस चीज में डाले जा रहे हैं, ये पतील बखर में हैं, पतील बखर में। अच्छा और मोटर में गिरेंगे। अच्छा फिर ये इसमें डालेंगे, मतलब ये किस, अरे ये जो जिस चीज में पकाए गए ये क्या चीज है, ये भी बखर ही है मोटा। अच्छा मतलब सारा काम बखर में ही होता है। हाँ। ये मोटे बखर में पका के फिर इन्हें मतलब आधा पानी आधा उसमें बखर होता है, फिर इसका थोड़ा मीठा हल्का करने के लिए फिर इसमें डाला जाता है। तो गाइस देखिए कितना लंबा प्रोसीजर है, पहले उसमें पकाया जाता है, फिर उसके बाद इसमें डाले जाते हैं, फिर इसमें कम्प्लीटली यहाँ अगर फाइनल होता है। तो गाइस ये देखिए गाइस ये डाल दिए भैया ने रसगुल्ले इसमें, ये देखिए गाइस कैसे गोल गोल एकदम बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले आ गए हैं। रसगुल्ले कम्प्लीटली बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, देखिएगा ये देखिए